सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन भाई। और फाइनली किंग के जो एल्बम है भाई वो स्टार्ट हो चुकी है, जिस एल्बम का नाम है MM। और अभी तक मेरे को खुद को नहीं पता भाई इस चीज़ की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन काफ़ी सारे बंदे कल कुछ स्टोरी वगैरह लगा रहे थे भाई। कुछ तो नाम था जो कि गाने में ही एक बार है मैंने बंदों की स्टोरी में देखा था, लेकिन इस गाने का नाम है भाई गोट शिट, जो कि कर्मा भाई के साथ आने वाला है। लास्ट टाइम हमने इन दोनों का कोलैब देखा था इनकी पिछली एल्बम में, जिसका गाने का नाम था गैंगस्टर, जो कि कमर्शियल टाइप ऑफ शिट थी। बट इस बार कमर्शियल शिट ना होगी, इस बार हो गई है गोट शिट। एंड इस बार हमें देखने को मिलेगा किंग भाई की तरफ से रैप, और सारे बंदे कह रहे कि भाई किंग रोको जो है वो वापस आ गया। सो लेट्स सी भाई, देखते हैं गाना कैसे होने वाला, कैसे नहीं होने वाला, सारी चीज़ें और क्या एनर्जी रहती है, क्या चीज़ रहती है। और भाई मैं अभी जस्ट होके उठा था, मेरे को पता था कल मैं रिएक्ट करने अलतार रिएक्ट करते तो गाना आ गया रात को, बट फिर मैं सोचा नहीं यार, किंग की एल्बम में ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो तो आएगी ही आएगी, और खासकर पोस्टर में जब कर्मा भाई है तो फिर तो आनी बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई हुई है, तो फाइनली ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। एंड रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भाई राइट नाउ। गुड शिट किंग एंड कर्मा, लेट्स गो। चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार। भाई कांट एक्सपेक्ट कि हमें ऐसा किंग देखने को मिलेगा, और मेरे को लगा था भाई अब और भी ज़्यादा कमर्शियल वाली एल्बम आने वाली है, बट नहीं, किंग भाई ने बोला भाई लोगों ने बहुत मेरे को ट्रोल कर लिया, अब खुद रैप करके दिखाते हैं अब बंदों को कि यस आई कैन आल्सो डू इट दिस शिट। काफी तेज कार चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में। हाँ हाँ हाँ, ये था भाई एल्बम का नाम, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार्स बड़े, मोनोपोली मूव्स MM। ठीक है, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार पड़े, चेहरे पर स्कार पड़े, फोन पर तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर काम लगे, या व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर ही काम लगे। भाई गहरी बातचीत भाई, मेरा जब बाहर खड़े कोई ना लगाम लगे, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर ही काम लगे, या ये लाइन अब नहीं फ्री की, जानना चाहते कहां से सीखी, तरकीब नहीं पारे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, दे कांट अफोर्ड, दे वोंट बिलीव मी। भाई फ्लैक्स कर, ब्लूप्रिंट अगर आपको नहीं पता तो ब्लूप्रिंट मैनेजमेंट टीम है जो कि किंग भाई को मैनेज करती है, ब्लूप्रिंट को बनाया मैंने 3D, मतलब ब्लूप्रिंट को ऊपर ले आए, क्या मतलब क्या मीनिंग है। तरकी भी नहीं पारे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, दे कांट अफोर्ड, दे वोंट बिलीव मी, आई एम अ जीनियस यार, आई एम सो फ्रीकी, शी कॉल मी सीधा दुबई से, करे इंतजार हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी ही, वो वैसे थी बंदी किसी की। वो देखती ख्वाबों में अपने, माउस का ट्रैक वो मेरी की मिला जो ब्रेक की, डू यू लव मी दी किसी की, वो देखती ख्वाबों में अपने, माउस का ट्रैक वो मेरी की मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा बीच बीट की चूची हल्की क्या वो मेरी की मिला जो ब्रेक बना दी मूवी, कर्मा बीच बीट, कर्मा बीचे बीट की चू। भाई मतलब यार ये दिल्ली के लौंडे ना, इनकी ना गाली थोड़ी चीज चटक होती है भाई, ये पता नहीं क्या खाते हैं, मैं भी पता नहीं क्या खाता हूँ। कर्म बीचे बीट की चूची हल्की से जो पकड़ी, बेस लाइन में बना आइंस्टाइन, तेरी मर गई भूखे, रैप करेगा सा तुमसे, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ ट्रू शिट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यू सिट, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिसाइल ले लो, चेहरे पे स्माइल ले लो, हल्की सी जाएं लगे हिटर और फिनाइल ले लो, भाई कर रहा हूँ मैं तू बूम कर ले क्या, जाएं लगे हिटर और फिनाइल ले लो, भाई आजा रोल कर रहा हूँ मैं तू बूम कर ले भाई। बूम करना आई गेस जो बंदे स्मोक वगैरह करते हैं, बूम करना इज़ लाइक जो पहला जब हम जलाते हैं, आई एम राइट, मेरे को ज़्यादा नहीं पता भाई, लाइक एक रोल बना लिया बंदों ने तो बूम इट्स लाइक ले भाई तू इसे जलाना स्टार्ट कर, यही होता ना जहाँ तक मेरे को नॉलेज भाई, क्योंकि आई कांट स्मोक तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता, बट जहाँ तक मैंने बंदों को देखा शायद ही होता है, अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ से शायद कर्मा भाई का वर्ड स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स गो। जानते हैं नाम चले किंग कर्मा, सुना टू काफी गैंगस्टर है, बैटमैन काली गाड़ी घूमे जैसे पैंथर है, नाम जैसे बादशाह है, बैट बॉय कहने लगे शहरों में फैनों की भाई रेफरेंस चेक।
बैटमैन काली गाड़ी घूमे जैसे पैंथर है, ठीक है। बैटमैन काली गाड़ी घूमे जैसे पैंथर है, नाम जैसे बादशाह है, बैड बॉय कहने लगे, बैड बॉय कहने लगे, शहरों में फैनों की फैमिली के जाम लगे, कम यहाँ जाम लगे, ज्यादा लगे माल, जब ब्राउन बॉय सके उसे कैडबरी ब्रांड लगे, फिर बोली खाते चीज केक, जूस केक, मैं बोला क्या जूस केक, चीज केक, वो बोली देन जीज बे प्लीज वेट माय आइसक्रीम पार्लर, दैट्स व्हाई कर्मा इज अ गॉड मैन। कर्मा की राइमिंग स्कीम्स कोई बीट नहीं कर सकता भाई। कर्मा का ना ये यूएसपी है भाई उनके टैलेंट के अंदर, कि उनकी रैम स्कीम्स कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब रैम स्कीम्स भी ठीक है, जो रैम स्कीम के साथ जो फ्लो स्पीड करते हैं ना अपनी, जो उनकी डिलीवरी होती है भाई वो क्रेजी होती है। बालकनी पे करे वो गैग, वो ना सांस लेती भाई, न्यू के साथ रिवर्स के 50 फीट, पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाज मिटी, किया प्यार सजा लाजमी थी, गानों के जरिए आप मिटी ले, बताई ने आगे की ब्रो। आइए राधे 7 देख सेशन 7 गोट गोट शिट रफ रफ सेट अभी तो सेशन 6 देहरादून वाली सर्दी में सेक्स माहौल, भाई व्हाट द फक वाली सर्दी में सेक्स का माहौल, लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरी में कॉल, पोकेमोन जैसी बंदी है क्योंकि अमेरिका सो भाई ये हैवी हो गया, ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया भाई। पोकेमोन जैसी बंदिया की घूम रही कसौल, मतलब कंपेयर भी किससे कर दिया भाई। पोकेमोन सर्दी में सेक्स का माहौल, लौंडे खाली बिली घर बैठे चौधरे में कॉल, पोकेमोन जैसी बंदिया की घूम रही माहौल, पोकेमोन जैसी बंदिया की घूम रही कसौल, पोकेमोन जैसी ये थे भी स्विंग इन द बॉल्स पे कचू केला चूर। ओ ओ वाह भाई, कर्मा इज अ लेजिट गॉड। पोकेमोन जैसी बंदियां तभी शी इज इन माय बॉल्स, पोकेबॉल, ठीक है। पोकेमोन जैसी बनियों की घूमरी का सॉल, पोकेमोन जैसी ये दे बी स्टेइंग इन माय हाँ भाई ये बहुत हैवी है, ये गाना मेरा फेवरेट होने वाला है। पिकाचू किल अचू रखू गेम कंट्रोल, दिल्ली वाली मेरी खारी पीटा, बॉम्बे वाली करे टॉर्क, योगा सीखा फ्लेक्सी, इतना के बंदी में से बोला हटा दो बंदी, बिना एपक करेगी चकती था। यार क्या बोल रहे भाई, ये बंदे क्या जुगलबंदी कर रहे, क्या क्या हो रहा है। बॉम्बे वाली करते ट्वर्क कहती योगा सीखा, योगा सीखा फ्लेक्सी, फ्लैक्स ही इतना बंदी में से ब्लै हटा दो, बंदी से ब्लै, ब्लै क्या होता है, इतना के बंदी में से ब्लै हटा दो, बंदी बिना अब्बा के करेगी चुकी टीटा, बंदी बिना अब्बा के करेगी चिकतीता, चिकतीता, यार ये क्या होता भाई। Some chica, some sweetheart, सोच भी नहीं सकता तू thinks that she does, club जाए कब जाए float door drinks bar track suit करे खिंचे lines at Adidas, गांड पैक करी कोई बोला ही नहीं, मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं, मैंने लिखी बस दो लाइन ही, अभी बसता तो खोला ही नहीं, कैसा रैप चपर रोला ही नहीं, ना बातें करो गोल आएगी, मेरे बैट पे ही बॉल आएगी, पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं, देखूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी। ए भाई गांड फाड़ गाना भाई, ये गांड फाड़ गाना है लेजिट। Seriously bhai, this is legit goat shit bro. भाई क्रेजी गाना होता है भाई, खत्म है। गाने की बात करे भाई, मतलब गांड फाड़ रखी है भाई बंदों ने, समझ रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा क्रेजी भाई। लाइक जैसे मैंने लास्ट टाइम ऐसा गाना सुना था पैंथर भाई का, किसका है? जब मतलब टाइप ऑफ जुगल बंदी चल रही थी माइक पे आके, कि एक रैपर दो लाइन स्पीड कर रहा फिर आके दूसरा रैपर फिर ये वो, ठीक है। और सेम चीज इस गाने में देखने को मिली कि अलग ही मस्ती चल रही है भाई, कि किंग भाई ने एक दो लाइन स्पीड करी, ये पोकेमोन जैसी बंदी की घुमरी का सॉल, फिर तुरंत कर्मा भाई आ रहे हैं, ये पोकेमोन जैसी बंदी घुमरी का सॉल, पोकेमोन जैसी है, दैट्स व्हाई स्टेइंग इन माय बॉल्स, कुछ ऐसी लाइन भाई। बट
डैम ब्रो डैम, इस बंदे पे भाई मैं इस गाने पे मैं बैंग करने वाला हूँ बहुत गंदा, क्योंकि इस गाने की जो बीट है ना भाई, बीट किसने बनाई है, यूकाटो भाई ने बीट बनाई है भाई, मतलब क्रेजी, समझ रहे हो, ये कानों में फटेगा अगर ग्रो कर गया ना एक बार, ये बहुत गंदा जैम देगा, यूं 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 यूं, प्रॉपर रैप शीट भाई, नो कमर्शियल शीट और नो मोर हुक शीट, ठीक है, सिर्फ स्पिट स्पिट एंड स्पिट बार्स भाई। And King prove himself again कि yes he can also doing a good rap and good with flows, कर सकता है यार बंदा, पहले से करता आ रहा है, बट ठीक है, हर किसी आर्टिस्ट का स्टाइल अलग होता है। जैसे बादशाह भाई ज़्यादातर कमर्शियल गाने बनाते हैं, रैप वो अभी थोड़ा ज़्यादा बनाने लगे, लेकिन पहले वो ज़्यादातर कमर्शियल ही बनाते थे। सबके आर्टिस्ट की चॉइस होती है, ठीक है, कि उसे कैसे बनाने, सबको अपना करियर देखना है, सबको अपना टैलेंट देखना है कि उसे किस तरीके से ग्रो करना है, बट हाँ एक आर्टिस्ट हर चीज़ कर सकता है। जब इंडस्ट्री के बॉलीवुड वाले आके बैनचोद आके रैप बना रहे थे, और किंग क्यों ही नहीं कर सकता, किंग तो शुरू से ही रैपर था, लेकिन ठीक है बाद में आके वो कमर्शियल थोड़ा करने लगा, हसल में हमने उसे रैप करते ही देखा। तो यस भाई, दिस इज़ आ रिएक्शन वीडियो फॉर अ गुड शीट, एंड सच में गाना गुड शीट था। बाकी आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और भाई हसल फोर चालू होने वाला है, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे शायद आई कार्ड वगैरह में दिख भी रही होगी, तो जाके चेकआउट कर लेना, लास्ट वीडियो मेरी वही है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप हसल में जाना चाहते हो हसल फोर में, तो जाके वो वीडियो देख लेना। बाकी यस, इस वीडियो के लिए तक गाइस टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।